सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइफ इज मनी चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आज मन वस फुजेरा का मैच प्रीव। सारे के सारे एनालिसिस आपको इसी वीडियो में कंप्लीटली करवा के देना हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अफ्टर पूरा वॉच करवा के चलिएगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपने अफ्टर अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाइएगा, मोस्टली सर्च कीजिएगा मनी इज लाइफ, जो कि हमारा चैनल आपको ओपन में ही करवा के मिल रहा है, तो आप वैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर सारे के सारे प्लेयरों के स्टेट्स, जो कि नए नए प्लेयर्स खेलते हैं, उनके स्टेट्स और टीम प्रोवाइड अच्छे से बेहतरीन बेहतरीन एक फैंटेसी टीम भी प्रोवाइड करवा के मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सिंपल तरीके की अगर बात की जाए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वाला जो कमेंट है, वैसे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ, तो वैसे ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं मैच डिटेल्स की। मैच डिटेल्स की बात करने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगले आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं मैच डिटेल्स की। मैच डिटेल की बात करने से पहले यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आजमन वर्स फुजेरा का मैच डिटेल्स, जो कि आपको 18वां मैच देखने को मिलेगा, जो कि 80वां मैच इनका दोनों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखे चलिएगा, जो कि काफ़ी अच्छी मैच होने वाली है, ये बात जरूर ध्यान रखे चलिएगा। आपको इमरान डिटेन 2021 का मैच सीरीज का आपको 18वां मैच देखने को मिल रहा है। डेट की अगर बात की जाए, सैटरडे के दिन 11 दिसंबर के दिन आपको मैच स्टार्ट होते हुए नजर आएगा, जो कि तकरीबन रात के 11 बजे मैच स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगा। वेन्यू की बात की जाए, शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में देखने को मिलेगा। और बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की आजमन वर्स फुजेरा की, तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि आजमन ने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले हैं, 5ों में से 4 लॉस करवा के आ रही है, एक ही मुकाबला विन करवा के आ रही है। वही फुजेरा की अगर बात की जाए, तो 5 लॉस के 5 मुकाबले खेले, 5ों में से 5 विन करवा के आ रही है, जो कि आप इस बात से क्या पता बात पता चल रही है दोस्तों, जो कि फुजेरा की टीम है ना, तो आजमन की टीम के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात जरूर ध्यान रखे चलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर 7 वर्स 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए, शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में आपको मैच खेलते हुए नजर आएगा, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, पिच आपको बैलेंस सरफेस है, यहाँ पर बॉलर्स और बैट्समैन को इक्वली हेल्पफुल देखने को मिल जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखे चलेगा। तो वाटर रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो आपको नो चांसेस है, कोई ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। नीचे से बात करते हैं यहाँ पर आजमन की प्लेइंग 11 की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नासिर अजीज, जो कि देख सकते हो दोस्तों, अभी तक 3 रन बनाए, 2 विकेट्स लेके जा चुकी है, जो कि आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, बैटिंग करते हैं, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। नीचे से बात करते हैं आसाम मुत्ती की बात की जाए, दोस्तों देख सकते हो, इन्होंने अभी तक बैटिंग बॉलिंग का स्टेट इनका मिला नहीं, अगर मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ अगर खेलते हैं तो। वही राहुल चोपड़ा की अगर बात की जाए, तो इंपॉर्टेंट बन सके दोस्तों, 69 रन अभी तक बना चुके हैं, स्मॉल लीग से बेटर चॉइस बनने वाले हैं। नीचे से साफिर ताहिर की बात की जाए, तो अभी तक 50 रन बना चुके हैं, जो कि आप ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं, स्मॉल लीग में इसके रहने वाले हैं। नीचे से बात की जाए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कासिम मोहम्मद, जो कि दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले, क्योंकि 57 रन आपको और 4 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, जो कि ऑलराउंडर सिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस बनने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर हाजी की या रहमान की, तो आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने 13 रन अभी तक बनाया, 3 विकेट्स लेके जा चुके हैं, जो कि आप ट्राई कर सकते हो इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों टीमों में। नीचे से बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुल्तान मोहम्मद, जो कि दोस्तों देख सकते हो 7 रन अभी तक बना चुके और 4 विकेट्स लेके जा चुके हैं, तो बैटिंग से कुछ खास नहीं, लेकिन विकेट बॉलिंग सेक्शन से आपके मोस्ट चॉइस बनने वाले, तो ये बात जरूर ध्यान रखे चलिएगा। नीचे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर अहमद शाह, जो कि देख सकते हो दोस्तों अभी तक मोस्टली उन्होंने देखिएगा तो 1 विकेट अभी तक मिला है, लेकिन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकते हो, ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो आपको बॉलिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट लगेंगे, लेकिन बैटिंग सेक्शन कुछ खास स्टेट नहीं है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चल सकते हो। नीचे से बात की जाए, तो वकास अहमद, जो कि देख सकते हो दोस्तों अभी तक 55 रन बना चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हो, ट्राई करके चल सकते हो, काफ़ी अच्छी आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। मयक की बात की जाए, तो अभी तक 2 रन बनाए, और बात की जाए युवराज बुरा की, तो काफ़ी इन्होंने भी 4 रन बनाए, तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। अगर बात की जाए आजमन की प्लेइंग 11 में से आपको प्लेयर सिलेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं बता दूँ यहाँ पर राहुल चोपड़ा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बात की जाए नीचे से कासिम मोहम्मद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले, तो जरूर ट्राई करके चलिएगा। या नीचे से हाफिज उल रहमान को जरूर ट्राई करके चल सकते हो, सुल्तान अहमद को जरूर ट्राई करके चल सकते हो। तो इस टीम के मैंने आपको 4 प्लेयर्स बता दिए, आप चाहो तो ऐसे नासिर आजिद को भी जरूर ट्राई करके चल सकते हो। तो इस टीम के आप मोस्टली 4 से 5 प्लेयर जरूर पिक करके चल सकते हो। नीचे से बात करते हैं आजमन की स्क्वाड की, तो आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर आजमन की स्क्वाड। नीचे से बात करते हैं फुजेरा की प्लेइंग 11 की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वासिम मोहम्मद, जो कि दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अभी तक 64 रन अभी तक बना चुके हैं, 9 विकेट्स लेके जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनने वाले हैं। वही बात करते हैं गोपा कृष्ण की, तो आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, जिन्होंने क्या बैटिंग और बॉलिंग का स्टेट मिला नहीं, अगर मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ। हमदन ताहिर की अगर बात की जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 98 रन अभी तक बना चुके हैं, जो कि काफी आपके लिए मोस्ट पिक बनने वाले हैं, हमदन ताहिर। नीचे से बात करते हैं जहीद अली की, जो कि दोस्तों देख सकते हो अभी तक 1 ही विकेट मिला है, लेकिन आपको बॉलिंग थोड़ी बहुत कम करवाते हुए नजर आएंगे, तो जरूर ड्रॉप करके चल सकते हो, स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हो। वही काशिफ खान की बात की जाए, तो 95 रन अभी तक बना चुकी है, जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रही है, ये बात जरूर ध्यान में रखे चलिएगा। नीचे से बात करते हैं राजा आखिर फुल्ला की बात की जाए, तो अभी तक देख सकते हो 7 विकेट्स लेके जा चुके हैं, जो कि बॉलिंग के काफी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट पिक बनने वाले
तो आप जरूर ट्राई करके चल सकते हो। उस्मान खान की अगर बात की जाए तो 119 रन अभी तक बना चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो उस्मान खान को। नीचे से आपको देखने को मिलेंगे मुजीद अमीन, जो कि दोस्तों देख सकते हो अभी तक 7 विकेट्स लेके जा चुके हैं, बॉलिंग से मुशफिक बनने वाले, कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस बनने वाले, तो जरूर ट्राई करके चलेगा मुजीद अमीन को। नीचे से बात करते हैं अली खान, जो कि दोस्तों देख सकते हो 59 रन अभी तक मोस्टली बना चुके हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं। नीचे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उमर फारूक, जो कि देख सकते हैं दोस्तों 38 रन अभी तक बना चुके हैं, 2 विकेट्स लेके जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग करवाते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखे चलेगा। जिशान आदित्य की बात की जाए तो अभी तक देख सकते हैं दोस्तों, आदिप की बात की जाए तो अभी तक देख सकते हो 35 रन अभी तक मोस्टली बना चुके हैं, तो आपके लिए ट्राई कर सकते हो जेल में स्मॉल के लिए, आपके लिए रिस्की प्लेयर रहेंगे दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलेगा। यहाँ पर फुजेरा की स्क्वाड की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन की, तो आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलेंगे वसीम मोहम्मद, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले, तो जरूर ट्राई करके चलेगा। और नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर हमदन ताहिर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस बनने वाले हैं। कासिफ खान को जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे से बात की जाए राजा आकिबुल्लाह की बात की जाए तो मोस्ट चॉइस बन सकती है। नीचे से बात की जाए उस्मान खान की, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकते हैं, इनको भी जरूर ट्राई करके चलिएगा। मैंने 5 प्लेयर्स बता दिए और बात किया 6 प्लेयर्स की, तो आपको मुजीम अमीन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं। और नीचे से आप यहाँ से अली खान को ट्राई कर सकते हो, नीचे से नहीं तो फिर उमर फारूक को जरूर ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। तो मैंने आपको स्क्वाड की भी प्लेइंग 11 बता दी। नीचे से बात करते हैं आपको यहाँ पर बता दें इनकी स्क्वाड, स्क्वाड की बात की जाए पुजारा की स्क्वाड आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि आपके सामने है। नीचे से बात करते हैं हमने यहाँ पर सिंपल से सिंपल डेमो टीम बना के रखी, जो कि आप बताने वाले हो। विकेट कीपर सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे आर चोपड़ा, यश ताहिर, यू खान बैटिंग सेक्शन से, और बात करते हैं ए खान आपको देखने को मिल जाएंगे, कौशिक मोहम्मद आपको देखने को मिल जाएंगे बैटिंग सेक्शन से, और ऑलराउंडर सेक्शन से आपको ओ फारूक, नीचे से बात करते हैं वक्कास मोहम्मद, और बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे डब्ल्यू अहमद, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले एस अहमद, और बात करते हैं यहाँ पर एम अमीन बॉलिंग सेक्शन से, और नीचे से यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे एच उर रहमान, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले फैंटेसी टीम में। तो बात करते हैं यहाँ पर आपको सिंपल से सिंपल सेकंड टीम की अगर बात की जाए, तो आपको यहाँ पर आर चोपड़ा, यश ताहिर, यू रे खान, और बात की जाए क्यू अहमद, ए खान, डब्ल्यू मोहम्मद, डब्ल्यू अहमद, और बात की जाए ओ फारूक, एस अहमद, एम अमीन, और बात की जाए येचुर रहमान, आपके लिए बॉलिंग से बेस्ट चॉइस बनने वाले हैं। तो बेस्ट से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फर्स्ट नाम पे कॉसिबल मोहम्मद, दोस्तों कासिम मोहम्मद देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक 57 रन अभी तक बना चुके हैं और 4 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, बात जरूर ध्यान रखे चलेगा। हाफिज उर रहमान की अगर बात की जाए तो अभी तक देख सकते हो 13 रन बना चुके हैं और 3 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, तो ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनने वाले हैं, बात जरूर ध्यान रखे चल सकते हो। नीचे से आपको राहुल चोपड़ा देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि 69 रन अभी तक बना चुके हैं विकेट के पीछे, हार्ड हिटर बैटमैन, ये बात जरूर ध्यान रखे चलेगा। वसीम मोहम्मद की अगर बात की जाए तो 64 रन अभी तक बना चुके हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले और 9 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, तो काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रही है, बात ध्यान में रखे चलिएगा दोस्तों। नीचे से उस्मान खान 119 रन अभी तक बनाए, जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर से आप काफी मुश्किल पॉइंट देकर जा सकते हैं, तो आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही बात करते हैं हमदन ताहिर की, जो कि जैसे विकेट के पास सेक्शन से 98 रन अभी तक मोस्टली बना चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रही है, बात ध्यान में रखे चलेगा, आपके लिए मोस्ट चॉइस बन सकते हैं। नीचे से आपको यहाँ पर कासिम मोहम्मद देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने 57 रन बनाए, 4 विकेट्स लिए हैं। वही मुकस मोहम्मद सॉरी वसीम मोहम्मद देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने अभी तक 164 रन बनाए और 9 विकेट्स लेके जा चुके हैं। दोस्तों वीडियो के सारे एनालिसिस यहीं पर खत्म होती है, चलते हैं हमारी डेमो टीम की। और डेमो टीम की ओर जाने से पहले आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों डेमो टीम, जैसे कि दोस्तों हमने डेमो टीम में पहले ही बोला था कि आपको 7 वर्स 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमारे डेमो टीम में आपको देखने को मिल रहा है, 7 वर्स 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। नीचे से बात करते हैं तो आपको विकेट कीपर सेक्शन से मोस्टली देखने को मिलेंगे आर चोपड़ा, जो कि आपके लिए डिफरेंशियल पिक मोस्टली साबित होने वाले, जरूर ट्राई करके चलेगा। आप चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो, लेकिन फिलहाल पिक करके चलने वाला हूँ। यश ताहिर भी आपके लिए मोस्ट चॉइस है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चलेगा, आपके लिए बेटर चॉइस बनने वाले हैं जीएल स्मॉल के हिसाब से, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही बात करते हैं बैटिंग से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यू खान, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस है जरूर ट्राई करके चलेगा, ए खान भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है जरूर ट्राई करके चल सकते हो, और नीचे से क्यू मोहम्मद आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं। आप अगर यहाँ पर जीएल प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर डिफरेंशियल पिक्स एस कल्याण देखने को मिल जाएंगे, और नीचे से बात की जाए तो एक खान आपको ब्रांडिंग के प्लेयर्स दोनों में दिख जाएंगे, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। कोई भी प्लेयर अगर आप नया खेलता है तो उसके स्टेट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा के मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सीक्वेंस, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे डब्ल्यू मोहम्मद, जो कि देख सकते हो दोस्तों अभी तक कैप्टन वाइस कैप्टन की मोस्टली आपके लिए बेटर चॉइस होने वाले वसीम मोहम्मद, जो कि काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रही है, बात जरूर ध्यान रखे चलेगा, जरूर ट्राई करके चलेगा। वो फारूक जो कि आप देख सकते हो दोस्तों डिफरेंशियल पीके, जरूर ट्राई करके चलेगा, आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं। नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे डब्ल्यू मोहम्मद अहमद सॉरी अभी तक देख सकते हो 74 मोस्टली इनका सिलेक्शन रेट है, लेकिन दोस्तों काफी अच्छे इनके स्मॉल के हिसाब से बेटर चॉइस रहने वाले, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, और सिलेक्शन रेट भी काफी हाई है, बात जरूर ध्यान रखे चलेगा। अगर यहाँ से बात की जाए तो आपको जीएल के हिसाब से एम अब्बास अगर खेलते हैं तो इनको जेल के हिसाब से ट्राई करके चलते हो, तो ग्रैंड स्मॉल लीग में रिस्की रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो आपको बॉलिंग सेक्शन की अगर बात की जाए तो आपको अहमद आपके लिए मोस्ट चॉइस बनने वाले हैं, और बात की जाए तो आर अतुल्ला खान आपके लिए मोस्ट चॉइस है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो आपके लिए नीचे से येचुर रहमान का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो आप ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल के लिए फिर यहाँ से
ऊपर से इनको मतलब इस अहमद को ड्रॉप करके ये चूर रहमान को ट्राई कर सकते हो, आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित होंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिए। चलिएगा नीचे से बात की जाए तो जियान जे अली के साथ जाना चाहते हो दोस्तों, जो कि आपके लिए मोस्ट चॉइस है, और एम अमीन है दोस्तों, तो आप डिफरेंशियल पिक के हिसाब से ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो एम अमीन का फॉर्म कुछ खास लग नहीं रहा है, तो ऐसे में ईशान अली को ट्राई करके चल रहा हूँ, जो कि दोस्तों काफी अच्छे बॉलर है, तो आपके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंशियल पिक साबित होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो या कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो मोहत आप मोस्ट चॉइस कैप्टनशिप की रहने वाले हैं। वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि किशोर मोहम्मद क्यू मोहम्मद, जो कि आपके लिए वाइस कैप्टनसी की चॉइस बनने वाले, तो आप जरूर ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। हमारी डेमो टीम यही रहेगी, जो कि फाइनल टीम होगी ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा के मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।